गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है 3 बुढ़िया। आपका जो पाठ है उस पाठ का नाम है 3 बुढ़िया। सबसे पहले बातों बातों में आपको पहेलियां पूछना और उन्हें हल करना अच्छा क्यों लगता है? क्यों अच्छा लगता है भाई पहेलियां पूछना और उन्हें हल करना? क्योंकि इनसे हमारी बुद्धि का विकास होता है। आप पहेलियों को हल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम पहेलियों को हल करने के लिए अपनी बुद्धि यानी अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहेलियों को पूछना और उन्हें हल करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इससे दिमाग का कार्य होता है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। और आप पहेलियों को हल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम पहेलियों को हल करने के लिए अपनी बुद्धि अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। सबसे पहले अच्छे गुणों वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, यानी अच्छे गुणों वाले जिनमें अच्छे गुण होता है वो व्यक्ति सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए बीरबल ने उस बुढ़िया को सबसे अच्छा माना जो दूसरों की बातें ध्यान से सुनती है और किसी को नहीं बताती है। जो पाठ है, पाठ का नाम 3 बुढ़िया है। अभी हम इस कहानी में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि बीरबल ने कौन सी बुढ़िया को सबसे अच्छा माना? उसने उस बुढ़िया को सबसे अच्छा माना जो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनती है और उनकी बात सुनकर किसी को नहीं बताती। अकबर के दरबार में एक कलाकार आया, उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़ियां थी। अकबर को वे गुड़ियां बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। अकबर के दरबार में जो राजा अकबर थे उनके दरबार में यानी उनके महल में एक कलाकार आया, उसके पास बिल्कुल एक जैसी ही गुड़िया थी। कलाकार का क्या अर्थ होता है? जो किसी कला को जानता होता है उसे कलाकार कहते हैं। उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़िया थी। जब कलाकार दरबार में आया, आपको यहाँ चित्र में भी दिख रहा होगा, कलाकार दरबार में आया तो उसके पास 3 गुड़िया एक जैसे थे, बिल्कुल एक जैसी लग रही थी, कुछ भी उनमें फर्क नहीं था। अकबर को वे गुड़िया बहुत पसंद आई। जब अकबर ने उन गुड़िया को देखा तो उसे वो 3 गुड़िया बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, उन्होंने यानी अकबर ने कलाकार से उन गुड़ियों के दाम पूछे, यानी उनकी कीमत पूछी कि वो कितने रुपए में है। लेकिन जो कलाकार था वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। उस कलाकार ने क्या कहा? जहापना, ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, यही इनका दाम है। जहापना यानी राजा को उसने क्या बोला? जहापना, ये गुड़िया, ये जो 3 गुड़िया है, ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा, उसी व्यक्ति को दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा, कि जो बताएगा कि इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है, यही इनका दाम है, यही इनकी कीमत है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा, जो उसके दरबार में बहुत सारे व्यक्ति थे, अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा तो उन दरबारियों में से एक ने क्या बोला कि इनमें तो कोई अंतर नहीं है, यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। उस कलाकार ने क्या कहा था कि मैं ये गुड़िया किसे बेचूंगा, किसे दूंगा, जो इन गुड़िया में से बताएगा कि सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है। लेकिन 3 गुड़िया जो है वो एक जैसी लगती थी। तो अकबर ने अपने दरबारियों की तरफ देखा तो उनमें से एक ने कहा कि इनमें तो कोई अंतर नहीं, यानी ये तो बिल्कुल एक जैसी है, इनमें कोई फर्क नहीं है, और यह व्यक्ति तो हमें मूर्ख बना रहा है, यानी यह व्यक्ति हमें पागल बना रहा है, इन गुड़ियों में कोई भी अंतर नहीं है, ये तो हूबहू एक जैसी है। दूसरा दरबारी क्या बोला? ये तो हूबहू एक जैसी, यानी जो ये गुड़िया है ये तो बिल्कुल एक जैसी है, इनमें कोई भी फर्क नहीं है, और ये व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। सभी दरबारियों ने प्रयास किया, यानी सभी दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ। सभी दरबारियों ने बहुत कोशिश की कि वो उन गुड़ियों में, 3 गुड़िया में कोई अंतर बता सके, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनमें से सफल नहीं हुआ। उसके बाद महाराज अकबर ने क्या कहा? बीरबल, क्या तुम चुन सकते हो? उन्होंने बोला कि बीरबल, क्या तुम इनमें से गुड़िया चुन सकते हो कि कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी है? तो बीरबल ने क्या जवाब दिया? बीरबल ने बोला, कोशिश करके देखता हूँ जहापना, यानी मैं कोशिश करके देखता हूँ कि मैं भी सही गुड़िया चुन सकता हूँ या नहीं,
मैं ऐसी कोशिश करके देखता हूँ। बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। बीरबल ने तीनों गुड़िया अपने हाथ में ली और उनको ध्यान से देखा। वे कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते ताकि उन्हें पता लगे कि सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है। तो क्या करते, कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते और कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। एक बार उनके मुंह पर हाथ रखते और कभी उनके कान में फूंक मारते। आपको यहाँ चित्र में भी दिख रहा होगा कि कभी कान में फूंक मार रहे हैं और कभी मुंह पर हाथ रख रहे हैं। वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले कि जापना, यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। जब उन्होंने गुड़िया के कान में फूंक भी मारी और उनके मुंह पर हाथ भी फेरे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, बीरबल ने तीसरी गुड़िया को राजा अकबर को दिखाया, महाराज अकबर को दिखाया और उनको दिखाते हुए बोले कि जहांपना, यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, ये जो गुड़िया है ये सबसे अच्छी है। बादशाह अकबर ने पूछा कि वह कैसे, ऐसा कैसे पता लगा कि ये गुड़िया सबसे अच्छी है, क्योंकि तीनों गुड़िया जो है वो एक जैसी थी। सब आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया। सभी हैरान हो गए क्योंकि जितने भी दरबारी थे सभी ने कोशिश की कि वो उन गुड़ियों में कोई अंतर बता सके। सबने गुड़िया देखी, सबको तीनों गुड़िया एक जैसी लगी तो वो बड़े हैरान हुए। सारे दरबारी बहुत हैरान हुए कि बीरबल को यह कैसे पता लगा कि तीसरी गुड़िया जो है वो सबसे अच्छी है। इसके बाद बीरबल ने बताया, क्या बताया बीरबल ने, कि जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ये जो गुड़िया है, जो उसके हाथ में गुड़िया है बीरबल के, उसने जब कान में हवा मारी, फूंक मारी, तो उसके कान से हवा निकल गई। इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। अभी सबसे पहले उसने क्या बताया था कलाकार ने, कि मैं ये गुड़िया उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। और जो तीसरी गुड़िया थी उसने क्या किया, ध्यान से बात सुनी लेकिन अपनी बात दूसरों को नहीं बताई। तो ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। उसके बाद दूसरी गुड़िया का क्या हुआ, इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली। जब उसने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो उसके मुंह से हवा निकली। यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं, कि जो भी बात सुनी वो फटाफट दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते, यानी ऐसे लोगों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर हम किसी को कोई बात बताते हैं और वो दूसरों को वही बात बता देते हैं तो ऐसे लोगों को विश्वसनीय नहीं कहा जाता, यानी विश्वास वाले नहीं कहा जाता। तो पहले चित्र में क्या था कि इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसी गुड़िया क्या करती है, ऐसे लोग जो दूसरों की बातें सुनते तो हैं लेकिन उन बातों को अनसुना कर देते हैं कि उन पर कोई असर नहीं होता। दूसरों की बातों को सुना और अनसुना कर दिया। और ये जो दूसरी गुड़िया है इसके मुंह से हवा निकली और यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। उसके बाद तीसरे चित्र में क्या किया बीरबल ने, जो तीसरी गुड़िया है उसने क्या बताया, ये क्यों सबसे अच्छी है, क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि इस गुड़िया के ना तो मुंह से हवा निकली ना कान से, जब इसने इसके कान में फूंक मारी ना तो उसके मुंह से हवा निकली और ना ही कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते, यानी दूसरों की बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते, यानी चुपचाप दूसरों की बात सुनी और किसी को भी बात नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं, यानी ऐसे लोग जो हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। जहां पना, इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। पहली गुड़िया का क्या था कि उसके कान में जब फूंक मारी तो उसके दूसरे कान से हवा निकल गई। और ऐसे लोग दूसरे की बातों को अनसुना कर देते हैं, यानी दूसरों की बात सुनी लेकिन उसे अनसुना कर दिया, सुनकर भी अनसुना कर दिया। और दूसरी गुड़िया का क्या था कि इसके मुंह से जब उसके कान में जब फूंक मारी तो उसके मुंह से हवा निकली। यह उन लोगों की तरह है जो सारी बातें सुनकर दूसरे लोगों को बता देते हैं और ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। तो तीसरी गुड़िया सबसे श्रेष्ठ कैसे हुई, कि इस गुड़िया के ना तो मुंह से हवा निकली जब कान में फूंक मारी, तो ना तो मुंह से हवा निकली और ना ही कान से। यह ऐसे लोगों के समान है
जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं, यानी दूसरों की बातों को आराम से सुनते हैं और किसी को नहीं बताते, ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं, यानी ऐसे लोग सबसे अच्छे होते हैं। जापना इसीलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छे, फिर वो क्या कहता है कि जापना यानी ये जो गुड़िया है, तो तीसरी गुड़िया है, यह गुड़िया सबसे अच्छी है कि ये तो किसी से भी बात सुनकर और किसी को भी नहीं बताएगी, तो यह सबसे अच्छी है। जापना बीरबल ने एकदम सही पहचाना, कलाकार ने क्या कहा कि जापना बीरबल ने एकदम सही पहचाना, ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। उसके बाद अकबर ने क्या कहा कि वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, यानी बीरबल ने अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी बुद्धि के बल पर प्रयोग करके दिखा दिया। तो जो तीसरी गुड़िया थी वो गुड़िया सबसे श्रेष्ठ थी और कलाकार ने खुश होकर वह गुड़िया उन्हें तोहफे में दे दी।